सुनो, एक कमी होगी कौन सी? इधर धीरे धीरे समय समय बीता। जब मैया घर लौट करके आई, जब 9 मास पूरे हुए हैं, तो एक पुत्र पवन रेखा के गर्भ से जन्म लिया है। गर्गाचार ब्राह्मण जी ने सोच समझ के उसका नाम रखा कंस। और जब कंसराज बचपन में पैदा हुआ, आंधी तूफान बादल पे बादल आने लगे, कवि ने कल्पना की है, बताया है, जब कंसराज पैदा हुआ तब कि बालक के पैदा होते ही और आंधी तूफान मचाने लगे। गरजने लगे हैं आंधी तूफान। कब? जब बचपन में कंस पैदा हुआ तब। मेरे श्रोता, इधर धीरे 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 समय समय बीतता चला गया। कंसराज जब बचपन में बच्चों के साथ में खेलने कूदने को जाने जाता है, तो बचपन में किसी का हाथ काट लेता है, किसी का पैर काट लेता है। माता और भाइयों, किसी ने हवा या कनकटा नाम का जानवर देखा है? परीक्षित मारा, कभी तुमने हवा या कनकटा नाम का जानवर देखा है कहीं चिड़ियाघर में? इसी कंस के साथियों का नाम था हवा कनकटा। बचपन में खेलने को जाता था, किसी का हाथ काट लिया, किसी का पैर काट लिया, किसी के कान काट लिए,
एक दिन महाराज उग्रसेन के पास में खबर पहुंची कि तुम्हारा पुत्र बचपन में तुम्हारा पुत्र इतना उपद्रव मचाता है और अगर इतना ऐसा ही उपद्रव मचाएगा तो हम लोग इस सभा को इस नगर को छोड़ करके चले जाएंगे। कंसराज को बुलाया उग्रसेन ने, बोले बेटा प्रजा शेर और वन में कैसा रिश्ता होता है? बोले पिता और पुत्र जैसा। बोले जब शेर वन को ही उजाड़ देगा तो अपने शरीर को कहां छुपाएगा? इसलिए बेटा बड़े प्रेम से रहो, और अगर ये दुनिया वालों ने अब दुनिया वालों की नजरों में गिर गए बेटा तो कौड़ी के तीन में बिक जाओगे। एक दिन बच्चों के साथ में खेलने को गया, बोले भैया आज तू का खाए के आओ? हेलो का बता रहे भैया, आज तू का खाए के आओ? काहे तुम्हें काहे बताए जाए हम? बताओ तो हम खीर खाए के आए अपने छिड़िया के दूध की। ऐसे विश्वास नहीं होगा, पहले जीभ निकाल। जीभ चटेगा हमारी जीभ? चाटेंगे ना काटेंगे, हम दिखाएंगे ना ये बनी जीभ काट ली। मेरे श्रोता इधर जब कंसराज ने के पिता ने कहा है बेटा उपद्रव मत बचाओ, तो मंत्री से कहा है मंत्री अरे मंत्री मेरे पिता का श्रृंगार कर दो। ठीक है महाराज। अब सभा के लोग कहने लगे ये अपने पिता का श्रृंगार करेगा, पिता का श्रृंगार भाई कैसा करेगा? बोले हाथों में हथकड़ी पैरों में बेड़ियां डलवा दी जाएं और जेल में डाल दो, अभी ने आराम करने की जरूरत है, आराम करो। मेरे श्रोताओं कि अधिकारी बहु जब मालूम है तुम्हें मेरा राज कैसे चलेगा? बोले नहीं, कहीं पे यज्ञ हवन नहीं होगा, ये हवन में घी डाल करके जला देते हो, खुद खाओ शरीर को तंदुरुस्त करो। कहीं पे गौशाला नहीं होगी, गौशाला तुड़वा दी जाए, मंदिरों में आंच लगवा दी जाए, हम कहेंगे वो होगा। मेरे श्रोताओं इधर कंसराज और कहने लगा है मेरा राज कैसे चलेगा तुम्हें मालूम है? बोले नहीं। बोले सुनो कि जो कोई किसी की ना माने वो हाल माने जाए डरने से, और कंसराज जब हुक्म चला We'll be right back.
भैया कंसराज दिन प्रतिदिन उपद्रव मचाने लगा है। इधर हाथों में हथकड़ी पैरों में बेड़ियां, एक दिन का जिक्र रहे, कंसराज राज दरबार में बैठा हुआ था। कंसराज कहने लगा, देखो ये सभा के लोगों, हमें ये बताओ कि तुम मेरे शासन में सुखी हो या मेरे पिताजी के शासन में सुखी थी। एक खड़ा हो गया, बोले कंसराज तुम्हारे पिताजी के शासन में दीन दुखियों का सम्मान होता था, सम्मान मिलता था, और तुम्हारे राज्य में मेरे पुत्र को एक सिपाही ने इतना मारा। बोले तुम्हारे पुत्र को सिपाही ने मारा? अरे भाई कौन है सिपाही, इसके बच्चे को किसने मारा? और फिर मारा जान से क्यों नहीं मार दिया? कहाँ है बच्चा, बुलाओ सिपाही से, काहे से जान से मार दो, जान से मरवा दिया। बोले और कोई दुखी? हम किसी को दुखी देखना नहीं चाहते, हमारे राज में सुखी रहो। बोले कोई दुखी नहीं है। कंसराज 10-10 दिन की तसले में रोटी गला गला करके सड़ा सड़ा करके देता है।